करमचंद, चमन बग्गा, तुम ठीक पहचाना तुमने, मगर मैंने तो सुना था कि तुम किसी बाहर मुल्क चले गए हो। बिल्कुल ठीक सुना था। फिर लौट क्यों आए? जानते नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश में है? अगर पकड़े गए तो फांसी का फंदा सीधा तुम्हारे गले में होगा। खतरा मुझे है, जान तुम्हारी क्यों जा रही है? तुम्हारा यूं अचानक लौट आना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे यशपाल ने भेजा है। यशपाल ने? लेकिन क्यों? तुम उनकी मदद करते हो ना? कैसी मदद? सीमेंट बेचने में। वो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे सीमेंट मंगाते हैं, फिर उसी सीमेंट को तुम्हारे जरिए प्राइवेट बिल्डर्स को ब्लैक में बेचते हैं। इस काम के लिए वो तुम्हें दलाली भी देते हैं, लेकिन पिछले दो बारों से तुम उन्हें यह कह के ब्लैकमेल कर रहे हो कि अगर उन्होंने तुम्हें मुंह मांगी रकम ना दी तो तुम उनकी 420 की खबर जनता और सरकार दोनों को दे दोगे। देखो चमन बग्गा, तुम इस मामले में मत पड़ो। मैं इतनी दूर से इसी मामले में पढ़ने के लिए तो आया हूं। हेलो, यशपाल हियर। मैं बग्गा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बग्गा, बोलो क्या हुआ? आपके कहने के मुताबिक मैंने करमचंद को खत्म कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो, तुम्हारा नकली पासपोर्ट और हांगकांग जाने का टिकट दोनों एयरपोर्ट पर तैयार मिलेंगे, लेकिन कल तक इंतजार करो। मगर एसपी राणा, मैं पूछ रहा हूँ वो चौकीदार चला कहाँ गया? उस एरिया का इंस्पेक्टर उसे पूछताछ के लिए ले गया है। कौन सा इंस्पेक्टर? वही जल्लाद सर। आई एम सॉरी सर, आई मीन टू से इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह? राणा जी, क्या ये वही इंस्पेक्टर तो नहीं जो किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था और सस्पेंड कर दिया गया था? कैसी गलतफहमी सर, सारी पुलिस फोर्स जानती है कि पूछताछ करते हुए अर्जुन सिंह वहशी हो जाता है, उसे अपने आप पे काबू नहीं रहता। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो लड़का लॉकअप में उसी के हाथों मरा है। और सर कोई ताज्जुब की बात नहीं कि पूछताछ करते हुए हमारे अर्जुन सिंह साहब इस वॉचमैन को भी खत्म कर दें। क्या बात कर रहे हो राणा? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। अब आप ही देखिए, सस्पेंड होकर बहाल होने के बाद 6 महीने के अंदर वो 3 जगह ट्रांसफर हुआ है सर। राणा, उसे फौरन यहां बुलवाओ। बग्गा, एक आदमी आया, कहता है आपका पासपोर्ट लाया है। पासपोर्ट तो मुझे एयरपोर्ट पे मिलने वाला था, यहां कैसे आ गया? भेजो साले को अंदर। ठीक है। कौन है बे तू? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। Thank you.
रामचंद का खून तूने किसके कहने पे किया है? बोल 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 बोल, कौन है इस कातिल के पीछे? बोल, किससे ली है तूने सुपारी? बोल 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 बोल, किससे ली है तूने सुपारी? बोल अर्जुन, बोल, इसे मेरे वाले कर दो। सवाल ही नहीं उठता, जब तक मैं इसे सारी बातें खुलवा नहीं लूंगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बोल अर्जुन सिंह, होश की दवा करो, छोड़ दो इसे, अब तुम कुछ नहीं करोगे। ये केस मेरे हवाले कर दिया गया है। दिस इज माय केस। चलो शट अप। मैं जब भी घर से बाहर जाने लगता हूं तुम अपनी शिकायतों का पुलिंदा खोल देती हो। एक तुम ही नहीं हो जो कॉलेज पढ़ाने जाती हो, और भी औरतें हैं जो नौकरी के साथ साथ घर का पूरा काम काज संभालती हैं। लेकिन मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता। ओके, अरे 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 अरे, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया। अपने नाना जी को पहचाना कि नहीं पहचाना? नाना जी को कैसे पहचानेगा, साल छह महीने के बाद तो आपकी शक्ल नजर आती है। फुर्सत ही नहीं मिलती बेटी, ठेकेदारी का काम ही कुछ ऐसा है, कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है। अब देखो ना बेटी, करमचंद जिसका कत्ल हुआ है उसकी कंपनी से लाखों रुपए लेने हैं मुझे, पता नहीं इतने पैसे कैसे वसूल कर पाऊंगा। इसी सिलसिले में अमर से बात करने आया था, कहाँ है वो? ये तो अभी निकल गए। निकल गए? लेकिन मैंने तो फोन पे टाइम लिया था। लगता है अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। और वो होने भी नहीं देंगे डैडी। बेटी तुम ही समझदारी से काम लो, पढ़ी लिखी हो, दूसरों को पढ़ाती हो। अच्छा बेटी, इस वक्त अमर कहाँ होगा? इनकी शायद यशपाल जी के साथ अपॉइंटमेंट थी। यशपाल जी बग्गा कोई मामूली मुजरिम नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है। मैं अदालत में चाहे कोई भी दलील पेश करूं उसे जमानत नहीं मिल सकती है। भाई अगर हम अकल को छू के जज को खरीद लें तो? हाँ वो तो आप भूल जाइए, जज साहब बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ एक काम हो सकता है। वो क्या? इस केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर रवि वर्मा है, अगर आप उसे तफ्तीश और FIR की रिपोर्ट मेरे कहने के मुताबिक लिखवा सकें तो काम बन सकता है। इंस्पेक्टर रवि वर्मा, उसकी जन्म कुंडली तो मेरे पास है। हाँ तो फिर काम बन गया। रही गवाहों की बात, उन्हें खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चिंता नहीं चिंता नहीं लाला, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि चमन बग्गा को इस कत्ल के केस में सजा नहीं होगी। वेरी गुड। ये हमारे लिए अफसोस से ज्यादा शर्म की बात है कि कत्ल के इस मुकदमे के असली अपराधियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके, जिसकी अहम वजह है पुलिस महकमे का गैर जिम्मेदाराना रवैया। पुलिस की लापरवाही का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी FIR में कत्ल की वारदात का वक्त ही गलत दर्ज किया है, और वो गवाह जिन्हें सरकारी वकील ने अपनी तरफ से पेश किया था पहलू बदलकर वकील सफाई की तरफ हो गए। यहां तक कि डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जो गोली करमचंद की लाश से बरामद की गई है वो गोली बरामद शुदा पिस्तौल से कतई नहीं चलाई गई। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चमन बग्गा को बरी करती है, लेकिन इस संगीन जुर्म की अहमियत को देखते हुए और पुलिस महकमे की दरख्वास्त पर अदालत चमन बग्गा को रिमांड में रखने का हुक्म जारी करती है। रवि साहब, आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो, सारे डिपार्टमेंट की नाक कटा के रखती।
अर्जुन मैं कहता हूँ। अरे तुम क्या कहोगे, तुम्हारी जगह कोई काबिल ऑफिसर होता तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती, फेक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं। अर्जुन तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ हाँ लगा रहा हूँ। तुमने दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए रिपोर्ट तैयार की थी ताकि मुलजिम रिहा हो सके, वरना इस केस से वो क्या उसका बाप भी रिहा नहीं हो सकता था। तुम साले पूरी सोसाइटी के दुश्मन हो अर्जुन। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, सारे पुलिस महकमे के लिए ये एक शर्म की बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। क्या मतलब? सर एक तो ऐसा खतरनाक मुजरिम ही पुलिस के हाथ में आ जाना बहुत बड़ी बात है, और फिर वो सिर्फ इसलिए छूट जाए क्योंकि पुलिस ही उसका केस। मास्टर अर्जुन सिंह, हम मर्डर केस की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं जो अदालत के अहाते में तुमने अपने एक साथी पुलिस ऑफिसर के साथ की है। मैं उसी की वजह तो बता रहा था सर। इंस्पेक्टर रवि वर्मा से मैंने FIR की बात की थी। FIR का मतलब होता है अर्जुन सिंह, FIR का मतलब हम बखूबी जानते हैं। भाई आप तो ये बताएं कि आपने शरेआम एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर पर हाथ क्यों उठाया? मैंने हाथ नहीं उठाया था सर। तो फिर वहां पर क्या हुआ था? तुम दोनों में हाथापाई हुई थी ना? हुई थी, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया था। अर्जुन सिंह अब तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं सर। क्या बकते हो? जी हाँ झूठ आप बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं सर। बस यही हुआ था सर। जैसे ही मैंने आपका कॉलर पकड़ा आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, वैसे ही उसने मेरा कॉलर पकड़कर मेरी खुददारी को ललकारा था और मैंने। हाँ, तुमने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो दलील पेश की है वो एक नाटक से बढ़कर और कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, यू आर सस्पेंडेड। लेकिन सर, यू हर्ड मी, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर देखा आपने, देखा कितना बदतमीज आदमी है, ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए। सर सर मैं अर्जुन को बहुत मुद्दत से जानता हूँ, पहले उसके मिजाज में इतनी गर्मी नहीं थी। मिस्टर मिर्जा आपको अपने दोस्त की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसकी बदमिजाजी का जिम्मेदार हमारा डिपार्टमेंट है। मिर्जा मैं ठीक कह रहा हूँ सर, वो जबान का कड़वा जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं। उसके दिल में जो कुछ है वही उसकी जुबान पर है। इसके बावजूद इस डिपार्टमेंट की कई कहानियां उसके सीने में दफन है जो अपनी जुबान पर ला नहीं सकता। वो खामोश रहने के लिए मजबूर है। अगर वो कहानियां, उन कहानियों को दोहराने की जरूरत नहीं है मिर्जा। लेकिन आपको अपना फैसला दोहराने की जरूरत है सर। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट। मिर्जा तुम नहीं समझते मेरे दिल पे क्या गुजरती है। पिछले 6 महीने में 3 बार ट्रांसफर हो चुका है मेरा। मगर क्यों होता है ये सब तुम्हारे साथ? कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है? सोचा है, बहुत सोचा है। सोच सोच के दिमाग खराब कर लिया है। सोचते तो हालात के साथ थोड़ा सा समझौता कर लेते, इस तरह बैठे अपने आपे से बाहर नहीं होते। मेरी तरफ देखो, हम दोनों ने एक साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन की, साथ साथ ट्रेनिंग ली, साथ साथ ड्यूटी अज्यूम की। दोनों के उसूल और आदर्श एक थे, लेकिन प्रमोशन मुझे 2 बार मिल चुका है। क्यों? क्योंकि नई दुनिया में कदम रख के इंसान को वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। मैं नहीं चलूंगा मिर्जा, मैं नहीं चलूंगा। मेरी भी इज्जत है, मेरी अकल से जो ठीक वही ठीक है, मैं गलत को ठीक नहीं मान सकता। तो मत मानो, इस तरह वहीं के वहीं रहोगे जहां हो। Who cares? मगर इस बार अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो तुम्हारी कसम मिर्जा मैं सारे डिपार्टमेंट पर केस कर दूंगा, सबको कोर्ट में खींच खींच कर लाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता, खामखा भड़क रहे हो। तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ तुम्हें। तो क्या मुझे सस्पेंड नहीं? नहीं नहीं नहीं, सस्पेंड नहीं किया गया है, बस ट्रांसफर किया गया है। तुम्हारा सिटी से निकालकर तहसील में लाए गए हो। बात तो सुनते नहीं, भड़क उठते हो ऐसे ही। ओह वेटर, यस सर, 2 लाज और जल्दी। जी हाँ बोलो। हाँ अच्छा है ना, तहसील में आ जाओगे तो तुम्हें सैल्यूट मारना पड़ेगा, मुझे सीनियर हूं ना आखिर तुम्हारा। वैसे तुमसे भी घटिया लोगों को बहुत सैल्यूट मारा है मैं। चलो इसी बात पे बॉटम सर। बॉटम सर लो। अब और नहीं पीऊंगा मैं, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरे। बच्चे नहीं बीवी, सिर्फ बीवी की बात करो। चलो सिप मारो, बीवी नहीं मारेगी। नहीं और पीऊंगा तो जरूर मारेगी। चल तू भी चल। चल क्यों, मैं क्यों चलूं? मेरी कोई बीवी थोड़ी है,
कि मुझे घर पहुंचने में जल्दी हो। ठीक है मच्छर, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। जानू, तुम चाहते हो कि मैं एमए की डिग्री लेकर भी घर बैठी रहूं? बैठी क्यों रहो, काम करो, घर की देखभाल करो, मेरी देखभाल करो। जब मैं घर से निकलूं तो मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ मुझे सी ऑफ करो। जब मैं लौटूं तो गरम गरम चाय की प्याली पेश करो। तो चार भोले भाले शैतान बच्चों की मां बनो, उनकी देखभाल करो। जानू, ये काम तो मैं लेक्चरर बनने के बाद भी कर सकती हूँ, है ना? कर सकती हो या नहीं कर सकती हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी नौकरी करे। और आजकल के स्टूडेंट साले पढ़ने थोड़ी जाते हैं। अगर मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की तो मैं बस बस बस, तुम जो करोगे वो मैं जानती हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कॉलेज में पहली बार जाऊंगी। एमए क्या घर बैठ के किया है? वो दूसरी बात थी, तुम पढ़ाने जाओगी तो तुम्हारा पाला प्रोफेसर लेक्चरर्स न जाने किस किस से पड़ेगा। तुम्हें उनके साथ उठना बैठना होगा और मैं किसी गैर के साथ तुम्हारा मिलना जुलना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानू बस, अब बहस नहीं। जानू एक बात कहूं, जब तुम ये टिपिकल मर्दों वाली बात करते हो ना तो एकदम मासूम बच्चे नजर आते हो। मैं बच्चा नजर आता हूँ? अभी बताता हूँ। अरे रे, क्या कर रहे हो, आसपास लोग बैठे हैं। हाँ, होने दो सालों को, जल उठेंगे कि मैंने जमाने से कितना कीमती हीरा चुरा लिया है। जुल्फे मेरी
कदम यही डर है मुझे तुमसे जुदा अबे चिंटू बोल डब्बू ये अपने पुलिस चौकी में जो नया इंस्पेक्टर आ रहा है ना वो बस नाम का जल्लाद है कि सचमुच का जल्लाद है लेकिन गलत आदमियों के लिए वैसे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं आप जानते हैं साहब अच्छी तरह से जब मैं पालघर में कांस्टेबल था तब वो वहां के थाने का इंचार्ज था अपने नए साहब का नाम जल्लाद वहीं से पड़ा वो कैसे उनके हाथों लॉकअप में एक लड़के की मौत हो गई थी लेकिन सर लेन देन के मामले में भी उतना ही कड़क है बात मत करना ना वो लेता है ना किसी को लेने देता है साहब वो कब से ड्यूटी ज्वाइन करेगा कल से आज पहुंच रहा है वो क्वार्टर में क्वार्टर कैसा लगा अच्छा है काफी बड़ा भी है और वो कैसे डांस कर रही थी ना और नाचते नाचते उसका दुपट्टा कैसे लटक रहा था ये लड़कियां कहां से आ रही लगता है यहां करीब कोई डांस की क्लासेस हैं वैसे तुम फिक्र मत करो जैसे ही खबर फैलेगी कि तुम यहां रहने लगे हो क्लासेस अपने आप बंद हो जाएंगे अच्छा मैं चलता हूँ मुझे देर हो जाएगी हाँ हाँ जाओ टाइम पर नहीं पहुंचे तो भाभी की डांट खानी पड़ेगी अरे कमबख्त तुझे क्या पता कि बीवी की डांट में कितनी मिठास है बाय बाय साहब नमस्ते साहब क्या है साहब हम सवेरे से आपकी राह देख रहे हैं क्यों वो पिछले थानेदार साहब थे ना हम उनका सारा काम किया करते थे अगर आप कहें तो मैं नहीं मुझे किसी की जरूरत अरे नहीं साहब ऐसा मत कहिए हम तो गरीब आदमी हैं आप ही के सहारे पर साहब अरे हम तो साहब ऐसी सेवा करेंगे कि पूछो मत पिछले साहब ने हमको मेवर राम का नाम दिया मगर साहब हम आपके लिए दिमाग मत चाटो मेरा कहा ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है दफा हो जाए यहाँ से मेरे बेटे को छोड़ दो मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे को छोड़ दो मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज क्या है एक पागल बुढ़िया है साहब कभी कभी तो चिल्लाकर सारे मोहल्ले को परेशान कर देती है और कभी अगर हाथ में छुरी लग जाए तो मारने को दौड़ती है तो ऐसे पागल को घर में क्यों रखा है किसी पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए किसी की जान ले ले तो वही साहब मैं क्या पुलिस ए ए कहां भाग रहा है क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब क्या किया मेरे बेटे ने मां जी मेरे पास इसकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर छोड़ दो मेरे बच्चे को इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो माँ
पिछली बार मेरे भाई को ले गए थे, अब बेटे के गम में पागल माँ को लेने आए हो। पूजा, क्या बात है बेटी? पिताजी, यही है वो आदमी जो हमसे हमारे राजू को छीनकर ले गया था। अच्छा है अगर बेचारी माँ भी इसी राक्षस के हाथों मर जाए। आओ, इसे भी ले जाओ, मगर पागलखाने नहीं, वही जहाँ तुम मेरे भाई को ले गए थे। बेचारी सारी दुखों से मुक्ति पा जाएगी। पूजा, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। आसपास कहीं शराब की दुकान है? नहीं है तो साहब मिल जाएगी, मेवाराम का और काम ही क्या है, आप जैसे लोगों की सेवा करना। एक रम की बोतल ले आ। जी लाए सर। तो फिर बता कौन था तेरे साथ, बोल। तू क्या समझता कि पुलिस कांस्टेबल को जान से मारकर तुम लोग बच जाओगे? बता कौन था तेरे साथ, बोल। मुझे नहीं मालूम। देख मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, बताना तो तुझे पड़ेगा ही, सोच ले। तुम शराब वराब नहीं पीते अर्जुन? बिल्कुल नहीं सर। अरे हाँ, उस लड़के को छोड़ना नहीं, सुबह होने तक सारी बातें उगलवा लेना। सर, सर वो लड़का क्या हुआ, क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता सर, लगता है वो मर गया। मर गया अर्जुन? ये लोग तो यही कहेंगे कि पुलिस ने उसकी जान ले ली। अर्जुन, इस लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है सर, सब जानते हैं कि ये मेरी कस्टडी में था, वो हवालात में एक गुंडा, इस लड़के का साथी, उनको भी मालूम है। उन्होंने तुम्हें देखा इसकी जान लेते हुए? जान? मैंने तो उसे इतना मालूम। ये बहस का समय नहीं है अर्जुन, मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। सुनो, उस लाश को मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दो। जी। फिक्र मत करो अर्जुन, तुम्हें जमानत पर रिहा करवाना मेरी जिम्मेदारी है।
अर्जुन देखो, जब तक इस हादसे की याद ताजा है, यहां के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बेहतर यही है कि तुम यहां से कहीं और चले जाओ। तुम यहां किस लिए आए हो? मुझे विद्या से मिलना है। तुम उसे नहीं मिल सकते। देखिए, मैं उसे मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, मुझे पुलिस वाले पहले ही अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन विद्या के जिद ने मजबूर कर दिया था। पर अब तुम दोनों की शादी का सवाल ही नहीं उठता। कौन है डैडी? अगर विद्या चाहेगी तो ये शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं विद्या का बाप हूं और मेरी बेटी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। विद्या, तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? ये क्या बोलेगी? वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी किसी जल्लाद के साथ हो। विद्या, विद्या, शर्म नाम की चीज है तो चुपचाप यहां से चले जाओ। दिल में हो इंस्पेक्टर साहब, सुनिए सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, उठिए, चलिए चलिए। किधर किधर ले गए ज्यादा है तुम? ए, आप बैठ जाइए, चलो। आपसे कोई मिलने आई है? ओ, तो आप मिलने आई हैं। तुम इन्हें नहीं जानती, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। इनका नाम है कुमारी विद्या एम ए, और आप तो नहीं जानती इसे। बेचारे की कोई हस्ती नहीं है, फिर भी कमाल देखिए, जब आप जैसे मोहब्बत करने वालों ने मुझे ठुकरा कर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाही, तो इस अजनबी लड़की ने अपना सब कुछ देकर मुझे जिंदा रहने का सहारा दिया। इसका नाम है सीमा, मगर दुनिया के लोग इसे रंडी कहते हैं। तेरा बाप, मुझे तुझसे मिलना दीदी। है दीदी, किसका फोन है? तू अभी तक सोई नहीं, जा सो जा। क्यों नहीं? हेलो, ए सो जा ना। हाँ, कहाँ आना है? मेरे घर। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी, वहां शास्त्री जी का घर है। तो क्या हुआ, सस्ते सस्ते होटलों में चल सकती है मेरे साथ और यहाँ घर आने में नाक कटती है? अभी क्या अभी नहीं आई तो सूरत नहीं देखूंगा तेरी। अगर
सारी रात शराब पीते रहेंगे, सोना नहीं है। नींद नहीं आ रही है, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। दरवाजा तो बंद करने दो। कोई जरूरत नहीं। आने के लिए इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? बगल में शास्त्री जी रहते हैं ना, उनके घर के सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहां देखे। जब तूने शर्म ही बेच खाई तो फिर तुझे किस बात का डर? मैं आपको कैसे समझाऊं? वैसे तो मैं बहुत मामूली घर की लड़की हूं, लेकिन कभी उनके यहां बहुत आना जाना था। बड़ा हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ लुट गया बेचारों का। माँ पागल हो गई, शास्त्री जी मास्टरी से रिटायर हो गए, बस एक बेटी रह गई है पूजा, जो दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती है। उनका एक जवान बेटा भी था, आप जानते हैं उस हरामजादी। मैं उसी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसी को याद दिलाने पे तुली है। निकल जाए यहां से। ये ले अपने पैसे और दफा हो जाए यहां से। सुबह होते ही चली जाऊंगी, तब तक के लिए यहीं पड़े रहने दीजिए। चल जा, बाहर जाके सो। आउट। मेवराम आया साहब। जी साहब। मेवराम वो गई क्या? वो तो सुबह होते ही नहाई धोई और नई होकर चली गई। वैसे साहब लोग जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि वो रोज रात को नए घाट का पानी पीती है। तेरी तुम्हें? हाँ, गाली नहीं सरकार, हमसे गाली बर्दाश्त नहीं होती, और अगर गाली दिए बगैर आपका गुजारा नहीं होता तो दीजिए, मगर इतने सवेरे नहीं और किसी और के सामने नहीं साहब। ठीक है ठीक है। वो गई कैसे? तू रिक्शा विक्शा ले आया था? आज ही रिक्शा की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सामने के घर में गई है शास्त्री जी के। पहले यहाँ डांस सीखने आया करती थी, वो और पूजा दोनों पक्की सहेली थी। सीमा सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, सोचा मौसी का हाल भी पूछते हुए जाओ। बेटे मेरे बेटे, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? पूजा कहाँ चला गया? आजा। मौसी की हालत तो आजा अभी भी ठीक नहीं लग रही, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुझे कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होती, खुला छोड़ दी तो चाकू छुरी उठा लेती है। शास्त्री जी कहाँ हैं? वकील के पास गए हैं। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, जब तक मेरे भाई के हत्यारे को सजा नहीं मिलती ये केस कभी खत्म नहीं होगा।
राजू ये फिर आ गया, तूने इसको मना नहीं किया? उफ़ो दीदी तुम तो खामखा इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो, आखिर क्या खराबी है संजीव में? मैंने कह दिया ना इसके साथ दोस्ती मत रख। अभी तो जाने दो ना दीदी, आखिर घर पे लेने आया है। ठीक है आज तो जा, पर अगली बार इसके साथ गया तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी, समझे? थैंक यू। चल यार, कसम से यार तू बहुत देर कर देता है। क्या बात है पूजा, तुम्हें राजू और संजीव की दोस्ती पसंद क्यों नहीं है? संजीव वो शरारती लड़का है, कभी स्ट्राइक करवाएगा कभी मोर्चे में हिस्सा लेगा, बड़े बाप का बेटा है, अगर पकड़ा भी गया तो छूट जाएगा। मगर राजू वो फंस गया तो हम क्या करेंगे? पूजा पूजा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। आई ला फोन रे। चाहे ला चिंटू, बोल डब्बू, ये वही था क्या रे? मेरा ख्याल वही था, तेरे क्या लगता है जी? मेरे को भी लगता है वही था, साले ने अपने को लेते दे तो देख लिया, मर गए, अभी जल्लाद छोड़ेगा नहीं। नाके पे चेकिंग कर रहे थे, कोई ट्रक पकड़ा? यस सर। हाँ महीने के आखिरी दिन है, घर में तंगी हो जाती है, तनख्वाह मिलने में अभी हफ्ता बाकी है। कितने मिले? हा? कितने मिले? गलती हो गई सर, माफ करना, बाल बच्चेदार आदमी है ना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं सर, नहीं 3.5, नहीं मेरा मतलब है सर 3 बच्चे हैं और चौथा अंदर है सर लॉकअप में। सर आप कुछ चाय पानी के लिए? देखो अब इस थाने का मैं इंचार्ज हूं, अगर सुन भी लिया कि किसी ने रिश्वत ली तो उसकी पेटी उतरवा दूंगा, दफा हो जाओ यहां से। यस सर। बिट्टू का ख्याल रखना। जी मैम साहब। साहब कैसे भी हमारी पेशी लगवा दीजिए। अरे भाई आपकी पेशी नहीं लग रही तो मैं क्या करूं, आप फीस भी तो वक्त से नहीं देते। अच्छा ठीक है आप मेरे मुंशी से मिल लीजिए। जी साहब। सुनिए। क्या है? बिट्टू को हल्का सा बुखार है। बुखार है तो मैं क्या करूं, मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? शाम को जब कॉलेज से वापस आओ तो खुद ही बिट्टू को डॉक्टर के पास ले जाना। और सुनो वो डैडी को रुपयों के लिए लिख दिया तुमने, देर हो गई तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, वो तो मेरे क्लाइंट की जमीन है इसलिए सस्ते दामों में मिल रही है। उनसे लिख देना कि 3 लाख रुपए फौरन भेज दें, बाकी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप खुद भी तो लिख के मंगवा सकते हो। क्यों तुम्हें लिखते हुए तकलीफ होती है क्या? ठीक है मैं लिख दूंगा, आप खुद भी तो लिखकर मंगवा सकते हो। स्टॉप इट। पता चला आप घर पे आए थे मुझे पूछने। हाँ हाँ बैठिए। मेवराम कह रहा था कोई जरूरी बात करनी थी आपको। हाँ एक सवाल कांटे की तरह मेरे मन में चुभता रहता है, उस दिन तुमसे अदालत में मिला तो भी पूछना चाहा, उस दिन यहां मिला तो भी मन किया मगर। हाँ कहिए क्या पूछना है। पिताजी आपने इस आदमी को इस घर में कैसे घुसने दिया? पूजा मैं चलता हूँ। जाओ मत, इसकी बात का बुरा ना मानो। जा जा, लेकिन बच के जाएगा कहाँ, कोई सबूत नहीं मिला इसलिए अदालत तुझे बरी कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये बहन अपने भाई के हत्यारे को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं कभी नहीं। अपनी बेटी से यही सब कुछ सुनवाने के लिए बुलवाया था मुझे? सुनिए चमक कीजिए। पिताजी। पूजा चुप हो जाओ, मुझे 2 मिनट शांति से बात कर लेने दो, अगर नहीं सुन सकती तो अंदर चले जाओ। मुझ पे कृपा करो भाई, वैसे तो मुर्दा शरीर को कैसे भी ठिकाने लगा दो, चाहे चिता पे रख के जला दो चाहे मिट्टी में गाड़ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मरने वाले के सगे संबंधी अगर उसका क्रिया कर्म ना करे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे अपने बेटे का क्रिया कर्म कर लेने दो भाई, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। मुझे मुझे बस इतना बता दो तुमने उसका शरीर कहाँ ठिकाने लगाया। मुझे नहीं मालूम,
कुछ नहीं तो उसके शरीर के कुछ फूल एक अस्सी के ही दर्शन कर लेने दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, दया करो इस ब्राह्मण बाप पर। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। देखो मेरा श्राप लगेगा तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे सब परिवार का, मेरी तरह तुम्हारी आत्मा भी छटपटाती रहेगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है। मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। बग्गा, यहां तुम्हारे आराम के मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। क्या सारी जिंदगी इधर रखने का इरादा है क्या? देखो मिस्टर कॉल, अभी तक मैं सिर्फ एक मर्डर केस से बचा हूँ, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सारे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर इससे भी बड़े बड़े केस हैं। हर स्टेट की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से फौरन फरार नहीं हुआ तो फांसी का फंदा मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। आई नो। नो यू डोंट नो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऊंची नाक वाले नहीं बच सकोगे। तुम सबका काला चिट्ठा मेरे पास मौजूद है सबूत समेत। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धोखे में मत रहना कि मेरे मरने के बाद तुम सब लोग बच सकोगे। नहीं, मेरी लाश ठंडी होने से पहले वो सब सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे, और सिर्फ सीमेंट के नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ड्रग्स, इन सब के सबूत। तुम्हें कुछ नहीं होगा बग्गा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी मत दो, मुझे यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त करो फौरन। दरअसल मैं चाहता हूं कि जेल से छूटते ही बग्गा को किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाए। यहां रहेगा तो गले में कांटे की तरह चुभता रहेगा। आप सही कहते हैं जनाब, सबसे पहले उसे जेल से निकालिए फौरन, क्योंकि अगर दूसरे केस खुल गए तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता नहीं, चिंता नहीं, जेल से तो उसे यशपाल जी छुड़ा लेंगे अकल को छूकर, लेकिन जेल से निकालने के बाद उसे रखेंगे कहाँ, चिंता इस बात की है। ये तो आप सोचिए। कॉल साहब, सोचना हमारा नहीं आपका काम है। आप जो फीस चार्ज करते हैं हमसे वो सिर्फ अदालती कार्रवाई की नहीं हो सकती। कोई ऐसी जगह सोचिए जहाँ पुलिस के कुत्ते भी ना पहुंच सके। आइए पंडित जी। सत्य, ये किताब मुझे दे दो। अगर किताब दे दूंगा तो जवाब कैसे लिखूंगा? आप मेरी हेल्प करेंगी? चुपचाप ये किताब मुझे दे दो। अगर नहीं दूं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। करके देख, अगर तेजाब फेंक के चेहरा नहीं बिगाड़ दिया तो असल बाप का बेटा नहीं मैं। बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? बाहर निकल जाओ और ये कॉपी मुझे दे दो। भाई चिंता नहीं, चिंता नहीं। मंत्री जी दिल्ली गए प्रधानमंत्री जी से मिलने, उनसे मिलके आवेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ चिंता नहीं, चिंता नहीं। प्रकाश जी। ओहो हो, इंस्पेक्टर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? बोलो क्या पीवेंगे? कुछ नहीं। हाँ मतलब दिन में नहीं पीते? हमारे होम मिनिस्टर साहब भी जब दिन में आवे हैं तो वो नहीं पीते। वैसे उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले हम ही हैं, चेले हैं वो हमारे। हाँ तो बोलिए काम क्या है? मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ। फिर? आपके बेटे से मिलने आया हूँ। क्यों? उसे बुलाइए फिर बताता हूँ। चिंता नहीं, चिंता नहीं। सत्या बेटे। आया डैडी। जी डैडी, क्या बात है? तुम्हारा नाम सत्य प्रकाश है? हाँ। तो मेरे साथ थाने चलो। थाने? किस लिए? एग्जामिनेशन हॉल में गुंडागर्दी करने के जुर्म में। कैसे गुंडागर्दी? सब बताता हूँ।
अरे इंस्पेक्टर, कभी अपनी अकल को भी छू लिया करो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। जानो कौन हूं मैं? जानता हूं कौन हो तुम। पॉलिटिक्स की दुनिया के किंग हो, बिजनेस टाइकून हो, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तुम्हारी। उनके लिए आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो। भड़वे हो तुम, भड़वे। डब्बू जी, पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन हाईवे के रास्ते से। लेकिन सर वो रास्ता तो बहुत लंबा है। इसके बाप की पहुंच भी बहुत लंबी है। जब तक हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, वो इसे छुड़ाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं इसे दो चार प्यार की बातें करना चाहता हूं। सुना है एग्जामिनेशन हॉल में तुम नकल कर रहे थे। नकल करते हुए जब पकड़े गए तो उसरा निकाल लिया। ऐसा किया था तुमने? ऐसा किया था तुमने? शाबाश, तुझ जैसे थर्ड क्लास आदमी के लिए थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा हुआ तूने खुद मेरे लिए लाइन क्लियर कर दी। अगर तूने किसी को बताया कि तेरी ये हालत मैंने की है तो इसी उसरे से तेरी जबान काट दूंगा। बेटे ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? क्या किया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं डैडी। फिर ये निशान कैसे पड़ गए? बताओ बताओ, अपने डैडी को पूरी बात बताओ कि ये निशान कैसे लगे। हाँ बोल बोल। डैडी वो आप बता ना। मैंने चलती गाड़ी से भागने की कोशिश की थी तो इसलिए मैं गिर गया। देख, मैं पूछ सकता हूँ कि आप इन्हें लेकर कहाँ गए थे और यहाँ तक लाने में इतनी देर क्यों हुई? आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इनका वकील हूँ, एडवोकेट A.N. कॉल। वकील हैं तो कोर्ट में बहस कीजिए, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं। ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर, कभी अपने अकल को छू लिया करो। मैं इन्हें लाया हूँ अपने बेटे की जमानत के लिए। ले जाओ इसे। अरे डैडी। इंस्पेक्टर डैडी। सर आपके लिए फोन आया है। दिल्ली से आया है जी? ऐसे मौके पर दिल्ली से ही फोन आते हैं। बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ। जी सर। इतनी बदतमीजी से पेश आया वो मेरे साथ और मुझे उसका तुम्हारे मामले में इतनी दिलचस्पी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन मेरे मामले में दिलचस्पी ले रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की, जिसे तुम्हारा हाथ कटने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह तुम्हारा पुराना आशिक। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? उसी से पूछो, वो क्यों खाम का इस केस के पीछे पड़ा हुआ है। जब मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरी बीवी अपनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार है तो इस बात से क्यों इनकार कर रहा है? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं। खैर उससे तो मैं निपट लूंगा। तुम जरा इस कागज पर मुझे अपना बयान लिख कर दो। कैसा बयान? यही कि उस एग्जामिनेशन हॉल में जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? तुम उसे इत्तेफाक कह रहे हो? उसे जानबूझकर मुझ पर उस तरह को मारो गोली। उस लड़के का बाप एक बहुत बड़ा आदमी है और मैं उसे झगड़ा मोल नहीं ले सकता। तुम उसे झगड़ा कह रहे हो?
जिस गुंडे ने तुम्हारी बीवी पे बीसियों लड़कों के सामने उस्तरा निकाल दिया, तुम उस गुंडे की तरफदारी कर रहे हो? वो गुंडा नहीं है विद्या, वो बच्चा है, बचपन में हो गया होगा। अच्छा मैं उसे कह दूंगा कि वो तुमसे माफी मांग ले, ओके? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। जिद मत करो प्लीज। ठीक है मैं जिद नहीं करता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि अब मेरी और अर्जुन की जाति जंग शुरू हो गई है। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। डोहल साहब, आपसे कोई मिलने आई है। कौन है? हम इन्हें नहीं जानते, ये कोई दूसरी है। मिसेज A.N. कॉल, आप और यहाँ? मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ। ठीक कर रही हैं आप। हिंदुस्तानी पत्नी का यही फर्ज है कि वो अपने पति की तरफदारी करे। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? कायदा तो यही है कि जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों आखिर में हमेशा एक हो जाते हैं। मुश्किल तो उनकी है जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। खैर, इतनी मामूली सी बात के लिए यहां आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर मैं नहीं आती तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे धिक्कारती। अच्छा, एडवोकेट A.N. कॉल की बीवी बनने के बाद तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई देने लगी? तब नहीं सुनाई देती थी जब किसी के प्यार को ठोकर मारकर बेवफाई की थी? मैंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की है। ये तुम कह रही हो? तुम जिसने? हाँ ये मैं कह रही हूँ। सुनना चाहते हो तो सुनो। रहने दो, मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। गड़े मुर्दे मैं भी नहीं उखाड़ना चाहती, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कसूरवार तुम नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। जानते हो जिस दिन तुम घर आए थे मैं तुम्हारे और पिताजी के बीच में क्यों नहीं बोली थी? ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें राजी कर सकूं। और जब पिताजी राजी नहीं हुए तो तुमने अपने प्यार से नाता तोड़ दिया? प्यार से नाता नहीं तोड़ा, अपने पिता के घर से नाता तोड़ दिया था। मैं उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई, और तुमने मिलाया मुझे उस वेश्या से। इसका नाम है सीमा, मगर दुनिया के लोग इसे रंडी कहते हैं। दोष तुम्हारा या मेरा नहीं अर्जुन, किस्मत का है। विद्या, विद्या इधर आओ। बिट्टू खाना खा लो। तुमने नौकरी छोड़ दी है? जी। क्यों? मैं किस मुंह से कॉलेज वापस जाती? उन तमाम स्टूडेंट्स के सामने जो मैंने बयान दिया था वो आपने मुझे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अब उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह गई? इज्जत? तुम जानती हो तुमने नौकरी छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है? लाख रुपया देने पर भी ऐसी नौकरी हाथ नहीं लगती है। अब सरना 24 घंटे इस घर में बैठकर। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। इज्जत से सर उठाकर जीने का मतलब तुम क्या जानो? हाँ हाँ, सर उठाकर जीने का मतलब तो सिर्फ एक वही जानता है, तुम्हारा पुलिस वाला। पुलिस वाले फिर भी मुजरिमों को पकड़कर अपना फर्ज पूरा करते हैं, मगर तुम पैसों की खातिर उन्हीं मुजरिमों की हिफाजत करते हो। विद्या, तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो कि अगर वो स्टूडेंट मेरी इज्जत भी ले लेता तो तुम रुपए लेकर उसे भी माफ कर देते।
पिछली बार रुपए दिए थे तो यहाँ क्यों छोड़ गई थी? मुझे जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ क्यों आई थी? मुफ्त की सैर कराने? या तू भी जान गई है कि पुलिस वालों को किसी चीज के पैसे देने की आदत नहीं होती? सबके सब साले मुफ्त को रहे हैं। लेकिन याद रख, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, जो चीज चाहिए कीमत देता हूं। ले, हमेशा जितने देता हूं उतने ही। मतलब आप मुझे मेरी कीमत देकर ही रहेंगे? बिल्कुल। तो फिर ये रुपए मत दीजिए, इनसे मुझे एक साड़ी खरीद कर दे दीजिए। साड़ी? क्यों? तो मेरी घरवाली है क्या? या मेरी जोरू बनने का इरादा है तेरा? साली, अपनी औकात में रह, उंगली पकड़कर पोंछा थामने की कोशिश मत कर। तेरी तो मैं मेवरान, तुम हमेशा दीवार से कान लगाए क्यों खड़े रहते हो? साहब, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम इस घर में नहीं सोओगे। चलो बाहर जाओ। जी। बड़ी बुरी आदत है इसकी। क्या क्या कह रही थी तू? हाँ, साड़ी नहीं दूंगा, किराए का मकान जरूर दिलवा सकता हूँ और तेरा जरा खर्चा भी उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी रखेल बन के रहना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? मैंने सुना था आप रिश्वत वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। इस बात का रिश्वत से क्या ताल्लुक है? है, आपकी तनख्वाह है सिर्फ 1500। बगैर रिश्वत के इतने कम रुपयों में दो घरों का खर्चा कैसे चल सकता है? हाँ, अगर मैं आपको प्रमोशन दिलवा दूं तो आपको सिफारिश के लिए ना दिल्ली जाना होगा, ना किसी मिनिस्टर के आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ मेरे जरिए हो जाएगा। आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और मारिए और मारिए। रुक क्यों गए? सच कहती हूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे आपने मारकर मुझ पर अपना हक जताया हो, प्यार जताया हो। खबरदार, जो प्यार का नाम लिया तो तेरे से पहले भी एक लड़की प्यार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अगर तेरी भी कोई ऐसी वैसी मंशा हो तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, समझी? आपने मुझे गलत समझा। जिस लड़की का बदन हवस का शिकार बन चुका हो, उसे प्यार का कोई अधिकार नहीं होता। मैं आपसे क्या, खुद से भी प्यार नहीं करती। देखो बग्गा, तुम कुछ दिन और यहां ठहर जाओ तो शायद मैं तुम्हारे लिए कला छोड़ो। और सुनो, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें छुपाने के लिए कोई जगह भी तो मिलनी चाहिए। मैंने एक चक्कर चलाया है, अगर तीर निशाने पर बैठा तो मुझे उम्मीद है कि एक दो दिनों में तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। आप पूजा है ना? हाँ, मेरा नाम विद्या है, मैं जानती हूँ, आइए बैठिए। पूजा जी, आपके भाई का केस काफी दिनों से चल रहा है ना? जी हाँ, वो कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी याद मत दिलाइए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। तकलीफ की तो अब आदत पड़ चुकी है। वैसे पूजा जी, इस केस में आपका कितना रुपया खर्च हो चुका है? पिताजी की जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई, अब तो गांव की जमीन भी बिक चुकी है। मुकदमेबाजी में यही तो रोना है, पैसा पानी की तरह खर्च होता है, और वकील हैं जो हमेशा झूठी उम्मीद बांधते रहते हैं। लेकिन इस बार पक्का सबूत मिल गया है, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। ये उम्मीद भी मेरे पति ने बनवाई होगी, वकील जो ठहरे। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जाने वाला तो जा चुका, अब आप अपना रुपये क्यों बर्बाद कर रही हैं? बस करो, अगर मरने वाला तुम्हारा अपना भाई होता तो पता चलता कि नसीहत देना कितना आसान है।
रुपए पैसे की कीमत मेरे भाई से ज्यादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ये मुकदमा लड़े तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं इन्हें समझाता हूँ। पूजा जी, ये बात आपसे इन्होंने आपका हमदर्द बनकर नहीं कही, बल्कि एक महबूबा की हैसियत से कही है। दरअसल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इनका पुराना आशिक है और ये उसकी खाल बचाना चाहती है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि ये मेरे बेटे की मां है, वरना मैंने तो इन्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है, आप जाएंगे यहां से प्लीज? आई एम सॉरी, दरअसल मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं। जिस वक्त अर्जुन सिंह आपके भाई से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पुलिस ने टेप रिकॉर्डर और कैमरा दोनों ऑन कर रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका भाई पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से जेल में एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी कैमरा और टेप रिकॉर्डर दोनों को लेकर फरार हो गया। अब अगर हम किसी तरह से उस कैदी को कुछ रुपया दे सके और वो दोनों सबूत हासिल कर सकें, तो दुनिया में किसी के मजाल नहीं जो अदालत में हमें ये केस हरा सके। कितना रुपया देना पड़ेगा उस कैदी को? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पूजा जी, जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। दरअसल ये केस अब मेरी इज्जत बन चुका है, बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। आपको उस कैदी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपाना होगा जब तक कि हम वो दोनों सबूत हासिल ना कर सकें। आप किसी झमेले की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, आप मेरी मदद करेंगे? मेरे भाई के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। वो कैदी है कौन? चमन बग्गा। Thank you.
तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो या कैदियों के साथ दारू पीने? मैंने दारू नहीं पिया साहब। तो बग्गा ने क्या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दी थी? मालूम है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट से विस्की के साथ ड्रग्स भी मिली हैं। हम अपनी जान खतरे में डालकर मुजरिमों को पकड़ते हैं और तुम जेल वाले इतनी लापरवाही करते हो। बास्टर्ड्स। अर्जुन सिंह, हम लोगों को गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। जी हाँ, आप लोगों को गाली देकर मुझे अपनी जबान खराब करने का कोई हक नहीं। खैर, आप ये बताएंगे बग्गा को यहाँ मिलने कौन कौन आता था? सिर्फ एडवोकेट A.N. कॉल। साहब, यह चाकू मिल गया है। कालिया ने इसे बाहर फेंक दिया था। कालिया, ये चाकू तेरे पास आया कहां से? मुरली ने दिया सर। मुरली ने? हाँ। और तूने उसी पे हमला कर दिया? साहब, मुरली ने खुद कहा था जब रात को 3 बार खटखट की आवाज सुनो तो तुम चाकू मार देना। मैंने मार दिया। मुरली ने कहा और तूने मार दिया? हाँ साहब। बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से नहीं साहब, हम दोनों को 500 रुपए दिए गए थे। रुपए? हाँ। किसने दिए? किसने दिए? सुप्रीम साहब ने। डिक्लेयर, कितने कहा थे एसपी साहब? फुल हैंड है यार, आज तो बहुत हार गए। कल 10,000 जीते भी तो थे। अरे यार, वो तो हम... एक जरूरी बात है। क्या बात है सर? ये आईजी साहब के नाम एप्लीकेशन है, इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। एप्लीकेशन? कैसी एप्लीकेशन? मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से सवालात करने की उनसे इजाजत मांगी है। क्यों? दरअसल बग्गा को जेल से फरार कराने में जेल सुपरिटेंडेंट का ही हाथ है। What nonsense? मैं सही कह रहा हूं सर। कालिया ने बयान दिया है कि सुपरिटेंडेंट ने उसे 500 रुपए दिए थे ताकि वो बलवा करके सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान बटा दे। मुझे लगता है साजिश में वो एडवोकेट A.N. कॉल वो भी शामिल है। बस बस, अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने बंद करो। और इस एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी जो यहां चले आए? खैर, अब आ गए हो तो एक काम करो, कल क्रिकेट मैच है, ये 1,000-1,000 रुपए के 10 टिकट हैं, इन्हें बेच दो। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अर्जुन, टिकट बेचने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लोग मुझसे नहीं, मेरी वर्दी देखकर टिकट खरीदेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है सर। इसके बदले में मुझे उनके छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये एप्लीकेशन मेरे ऑफिस भेज देना। सर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये एप्लीकेशन मेरे दफ्तर भिजवा देना। अब तुम जा सकते हो। गेट आउट। जुआ खेलता है साले, पुलिस को अंधा समझ के रखा है। मार्केट के पीछे आइला चुप के जुआ खेल रहा है। ये क्या गैर कानूनी होता है मालूम है? कौन है ये लोग? जुआरी लोग है सर, मार्केट के पीछे जुआ खेल रहे थे। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दूं सर? कि जुआ खेलना अब गैर कानूनी नहीं रहा? जुआ गैर कानूनी है, लेकिन पकड़ सको तो उन ऑफिसरों को पकड़ो जो क्लबों में बैठकर 1,000 रुपए का दाव लगाते हैं। है 5 माह तक। जब हम उनको नहीं पकड़ सकते तो इन गरीबों को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है हमें। छोड़ दो इन्हें। लेकिन मैं कहता हूं छोड़ दो इन्हें। जाओ। अब जुआ खेला ना तो जिन उंगलियों से पत्ते पकड़ते तोड़ के रख दूंगा मैं। चलो। मैं घास खाने वाला जानवर नहीं हूं, मुझे हर रोज खाने में मच्छी और मटन चाहिए। ये ब्राह्मण का घर है। क्या खाक घर है ये, जहां पे मर्जी का खाना नहीं मिलता? जेल से बदतर है ये, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। नहीं, अगर आप मांस मच्छी खाए बगैर नहीं ले सकते तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया करूंगी, मगर आप गुस्सा मत कीजिए। ठीक है। और सुनो,
कल तुम उस कॉल के पास जाना और उसे पूछना कि फोन का क्या हुआ। फोन? हाँ फोन, टेलीफोन। मुझे यहाँ पर टेलीफोन चाहिए और शराब भी। दारू के बिना मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है। पूजा, किससे बात कर रही थी? जी जी वो कौन था ये आदमी? जी बात ये है कि मैं कैसे समझाऊं? मैं समझ गया बेटी, तू कुछ मत बोल। तू बोलेगी तो बाप का मान रखने के लिए झूठ बोलेगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? हाँ पूजा, दोष तेरा नहीं मेरा है, जो अब तक तेरे हाथ पीले नहीं कर सका। पहले जवान बेटे की मौत, फिर मुकदमेबाजी, ये होश ही नहीं रहा कि मैं एक बेटी का बाप हूं जो अब जवान हो चुकी। मुझे माफ कर देना बेटी। पिताजी, पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये आदमी जैसे भागा हुआ कैदी है जो हमारे राजू के हत्यारे को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। क्या? हाँ पिताजी, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि आप कभी राजी नहीं होंगे। मैं अपने राजू के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तूने जो रास्ता अपनाया है बड़े जोखिम का है। अच्छा, अरे जोखिम तो मैं उठा रहा हूँ जेल से भागकर तुम्हारे बेटे के हत्यारे का सबूत देने के लिए। अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चलता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, तुम यही रहो, भगवान के लिए हमारी मदद करो। मैं जानता हूँ सर, बग्गा को जेल से फरार कराने में किन किन लोगों का हाथ है। हमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो अर्जुन। सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए। जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में? हाँ। लेकिन क्यों सर? वो इसलिए कि आजकल ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तुम जैसे काबिल ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। सर ये केस में अर्जुन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। अबे अहमक, ऑफिसर तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुम इसे भाग रहे हो। कमाल है। तू नहीं समझेगा, मेरा ट्रांसफर इसलिए हो रहा है ताकि मैं चमन बग्गा के मामले की तह तक ना पहुंच सकूं। वो जानते हैं कि मैं असली मुजरिमों को बेनकाब कर दूंगा। मेरा ट्रांसफर सच्चाई पर पर्दा डालने की एक साजिश है। हाँ हाँ, मान लिया साजिश है, ओके? लेकिन एक तुम ही नहीं रह गए जो सच्चाई की तह तक पहुंच सकते हो। दूसरे भी ऑफिसर्स हैं जो हकीकत को बेनकाब कर सकते हैं। अरे तुम्हें क्या मालूम इसमें खुदा की क्या मंशा है? कुछ बातें उस पर भी छोड़ दिया करो, और जब देखो ये कुड़ 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 मत किया करो। मंगाओ दो और लाज, आज तुम्हारी खातिर बीवी की मार भी सह लूंगा। मेवाराम, ओ मेवाराम, जब तुम काम उस घर में करते हो तो सोने यहाँ क्यों चले आते हो? जी हम तो वहीं सो जाएं, मगर हमें कोई सोने दे तब ना। कौन सोने नहीं देता? वही जो रोज अंधेरा होते ही चले आती हैं। हम तो
गोरे वो देखिए कैसी मटकती फटकती चली आ रही है। मेवाराम जी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। हमें तो डांट देती हो, हिम्मत है तो उसको डांटो। मगर उसको कैसे डांटोगी, वो तो तुम्हारी सहेली है ना। सीमा कहाँ से आ रही हो, मंदिर से? हाँ सीमा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना पाप छुपाने के लिए भगवान का नाम लेती हो? नहीं ये खबरदार कभी मेरे घर में आई तो। पूजा इतनी जल्दी भूल गए वो दिन जब तुम मेरे घर को अपना घर समझती थी, मेरे भाई को अपना भाई समझती थी, और आज उसी घर को अपनी पीठ दिखाकर मेरे भाई के हत्यारे के साथ आकर गुजारती हो? जिसे तुम राजू का हत्यारा समझती हो वो हत्यारा नहीं हो सकता पूजा। हाँ हाँ तू तो यही कहेगी ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी? चली जाओ मेरे सामने से, भगवान के लिए चली जाओ। चली जाऊंगी लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? मेरे बारे में जो कुछ सुना है उसकी कोई वजह तो होगी। मुझ पर क्या बीती है एक बार सुन तो लो। ये उन दिनों की बात है जब तुम लोग पालगढ़ चले गए थे। मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी, तभी एक चंद्रप्रकाश जी मिले। वो मुझे नौकरी का दिलासा देकर अपने साथ शहर ले गए। और खन्ना साहब, अपनी अकल को छू के ये समझ लीजिए कि सीमा बेटी अपने रिश्तेदार है। चंद्रप्रकाश जी, भला आपका कहा हमने कभी टाला है? नहीं नहीं नेवर, आज तक नहीं टाला। तो मैं चलता हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने चाय भी बुलवाया है। बेटे तुम्हें इंटरव्यू के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन नहीं नहीं खन्ना साहब अपने आदमी, बेटे चिंता नहीं, चिंता नहीं। चिंता नहीं बेटे, चिंता नहीं। सर ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट्स की हमें जरूरत नहीं सीमा, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस है। हमारा वास्ता बड़े बड़े लोगों से पड़ता है और उनको खुश करना ही हमारा काम है। और इस काम के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो तुम्हारे पास सर से पांव तक मौजूद है। तुम्हारा रूप और यौवन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो सीमा, मेरे इशारों पर चलोगी तो तुम्हारे वारे निहारे हो जाएंगे। क्या उसने तुम्हारे साथ ये नीच हरकत की? हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में उसकी रिपोर्ट करूंगी। अरे पुलिस में क्या बेटे, मैं तुम्हें अभी होम मिनिस्टर के घर लिए चलता हूँ उस नालायक की शिकायत करने के लिए। अब बेटे तुम मेरे साथ। आओ बेटिया अंदर आओ, चलो आ जाओ चलो। Thank you.
उससे तो अच्छी तो मैं हूँ। अरे कहाँ भाग रही है? अरे कहाँ चली कबूतरी? मुझे जाने दो। ऐसा कैसे जाने दूँ? रोकड़ा नोट दे के खरीदा है तुझे, पूरे 2000 के नोट सेठ लोग लेके गए हैं तेरे, समझी? एक बार ग्राहकों से तेरा माल वसूल कर लूं, फिर उसके बाद चली जाना। नहीं, अंदर नहीं, चल नहीं, चल मुझे जाने दो, पापा के लिए मुझे जाने दो। और उसी रात पुलिस ने अड्डे पे छापा मारा। छुपके कहाँ जा रही है? सब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इन जैसी नहीं हूँ। हाँ हाँ, एक तो ही सती सावित्री है यहाँ। सब मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। सब अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ से पकड़ी गई हूँ तो वो जीते जी मर जाएंगे। सब मैं तो लूट चुकी हूँ, उन पर रहम खाओ। रहती कहाँ है? मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे तहसील से लाया गया है। उठो। ये ले बस का भाड़ा और चली जा, फिर कभी शहर में नजर आई तो मुंडी मुंडवा दूंगा। उस दिन वो मुझ पर तरस न खाते तो वो बाजार के कुत्ते मेरे शरीर की एक एक बोटी नोच डालते। मैं तभी जान गई थी कि भले वो सूरत से दिखाई देने वाला पत्थर हो लेकिन दिल का मोम है, दयालु है, बल्कि देवता है। मैं कसम खा के कहती हूँ पूजा, वो तेरे भाई का कातिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टेलीफोन लेने आई हो? हाँ। यहीं ठहरो, अभी लाता हूँ। यार इसे इधर पहले कभी नहीं देखा, लगता है कोई प्राइवेट टैक्सी है। जेम्स, ये प्राइवेट टैक्सी चलाने का शौक कब से पैदा हुआ? साले ज्यादा ट्विटर की तो थोपड़ा बिगाड़ के रख दूंगा तेरा। चल फुट यहां से, फुट। चल गुरु भाग। अरे जल्दी कर, अरे चल। 3000। 3000? हाँ। मेरे पास तो सिर्फ 1200 है। 1200? 1200 में काम नहीं होने वाला मैडम। देखिए मेरे पास तो सिर्फ एक... लीजिए, विश्वास कीजिए, खरे सोने के हैं, पूरे 1 तोले के। ठीक है। करेक्ट, यही कॉर्डलेस फोन चाहिए था मुझे। एक बात कहूं? बोलो। तुम मुझे ऐसी वैसी जगह मत भेजा करो, आखिर मैं औरत हूँ। देखो मैं भी यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे भाई के सबूत के लिए, ज्यादा भाव दिखाएगी ना, चला जाऊंगा यहाँ से। मैं तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ, जानते हो जब से मैं तुम्हारे लिए मांस मच्छी लाने लगी हूँ पिताजी ने घर में खाना खाना छोड़ दिया। तो मैं क्या करूँ, मांस मछली खाना छोड़ दो? नहीं, तुम कुछ मत छोड़ो, बस जल्दी मुझे वो सबूत दे दो। दे दूंगा, आज ही तो फोन मेरे हाथ में आया है, चल जल्दी से ये साफ कर। देख क्या रही है,
साफ कर इसे। हेलो, कौन था? पता नहीं, उठाते कट हो गया। यस, कॉल में बग्गा बोल रहा हूँ। बग्गा? कहाँ से बोल रहे हो? क्यों, तुमने तो पूजा से कह दिया था कि फोन का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मैंने कैसे कर लिया? मैं कुछ समझा नहीं। कॉल, तुम सिर्फ एक लॉयर हो, क्रिमिनल लॉयर, और मैं एक क्रिमिनल। आई नो दैट। नो, यू डोंट नो। मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या हुआ मेरे मामले का? मैं सब समझा दूंगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज। यस। तो अमर, मैं कह रहा था, आपने मुझे जमीन खरीदने को कहा था, इसलिए मैंने पार्टी को प्रॉमिस कर दिया। अब अगर आप मुझे रुपया नहीं देते तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि करमचंद का कत्ल हो जाएगा? उसके पास मेरे कई लाख रुपया बकाया था, और अभी पुल के ठेके में भी नुकसान हो। मिश्रा जी, अब इस बहस से कोई फायदा नहीं। आप मुझे सीधे से जवाब दीजिए कि आप मुझे रुपया देंगे या नहीं। इस वक्त तो 3 लाख रुपया देने की मेरी हालत नहीं। तो ये रुपया अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए जमीन। चले आए मुंह उठाए 50,000 रुपया लेकर, क्या समझ रखा है मुझे, भिखारी हैं? आपको समझने में उन्होंने यही तो गलती की कि आपको भिखारी नहीं समझा। क्या? हाँ, इतना दहेज देकर उन्होंने मेरी शादी की, और आपका मुंह है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता, बार बार उनके सामने हाथ फैला देते हो। विद्या जी, उन्होंने इतना दहेज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप इंस्पेक्टर के साथ रंगरलियां मनाती थी, और मेरा मुंह सिर्फ इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि मुझे मुआवजा चाहिए।
सेकंड हैंड दुल्हन अपने गले बंधवाने का मुआवजा, समझी? अंदर क्या है? सीमेंट है। कहाँ से लाया सीमेंट? बॉम्बे से। यहाँ किसको डिलीवरी देनी है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल, नहीं तो मैं बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये फोन नंबर दिया था और पहुंचते ही खबर करने को बोला था। मिसेस कॉल, ये आप ही का टेलीफोन नंबर है? जी हाँ। मुझे आपके घर की तलाश लेनी है, मेरे पास सर्च वारंट है। लेकिन मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी कर लेने दीजिए प्लीज। तुम इस तरफ देखो और तुम उस तरफ। जी जी सर। बहुत बड़े रैकेट का रिकॉर्ड है सर। 2.5 करोड़ का सीमेंट देश में चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लाइसेंस लेकर इंपोर्ट किया गया और फिर वो ब्लैक मार्केट में प्राइवेट एजेंसीज को बेच दिया गया। यही नहीं सर, इसमें सारे सबूत हैं कि इन डीलिंग्स के पीछे जिन हस्तियों का हाथ है उन सब का ताल्लुक करमचंद के कत्ल से भी है।
इस केस से ताल्लुक रखते हुए और भी कोई पेपर्स है तुम्हारे पास? नहीं सर, जो है बस इसी फाइल में है। हाँ। ऐसा करो, ये फाइल मेरे पास रहने दो, मैं इसे डिटेल में स्टडी करूंगा। जल्दबाजी करने में मुजरिम बचकर निकल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अर्जुन, तुमने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। जब यशपाल जी ने फोन किया, कॉल के घर की तलाशी हो रही है, उस वक्त इत्तेफाक से मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था, वरना आपका तो भगवान ही मालिक होता। इस अर्जुन के नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी हो गया यशपाल जी। कमबख्त अपने आप को मां भारत का अर्जुन समझने लगा है। ये तो गनीमत समझी उसने ये फाइल खुद अपने हाथों मुझे सौंप दी, वरना अब आप यशपाल जी इस फाइल को अपने पास हिफाजत से रखिएगा, इनसे बचाकर। इन्होंने तो आज बड़े गर्क कर दिया था। हुआ ये पृथ्वी सिंह जी, नमस्कार साहब। आप ये क्यों नहीं समझते कि इस फाइल के साथ साथ मैं अपना पूरा करियर आप लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं, और आपकी लापरवाही की ये इंतहा है कि आप इतनी कीमती फाइल को संभाल कर नहीं रख सकते? आप अपने घर क्या संभालते होंगे? तुमने उसे जानबूझकर अंदर आने दिया, मेरी बलि देकर मुझसे छुटकारा पाने के लिए। मैं क्या कर सकती थी? तुम उसे घर में आने से रोक सकती थी। उसके पास सर्च वारंट था। सर्च वारंट था तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लाइन नहीं मिली। हाँ, लाइन कैसे मिल सकती थी? लाइन तो घर पे मिली हुई थी ना। तुम्हारा पुराना यार आया हुआ था तुमसे लाइन मारने के लिए। तमीज से बात करो। रामजादी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू अपने आशिक को अपने बदन के साथ साथ मेरी फाइलें भी हवाले कर दे। अब की बार आएगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। क्या? मिस्टर कॉल, खबरदार जो अब मुझे हाथ भी लगाया। मैं तुम्हारी रखी हुई औरत नहीं हूँ जिसे जब चाह रौंद दिया। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूँ तो मुझे निकाल के नहीं देते। तुम्हें कसम है मुझे अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। तुम क्या निकालोगे? तुम में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यहां से नहीं जा सकती। अच्छा, मैं जाऊंगी और हमेशा के लिए जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलामी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, रूपा, रूपा जी। दीदी, ये टीवी और वीडियो यहाँ कौन लाया? संजीव लाया है जी, मैंने रूपा को प्रेजेंट दिया है। तुम अंदर जाओ। मैं कहती हूँ अंदर जाओ, मुझे संजीव से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बहन से जो उसे इतना कीमती तोहफा दे रहे हो? जी, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार? जी। तुम जैसे रईस प्यार करते नहीं, प्यार खरीदते हैं। मगर मैं अपनी बहन को बिकने नहीं दूंगी, समझे? ये क्या कह रही हैं आप? तुम जिसे प्यार कहते हो वो सिर्फ भूख है, शरीर की भूख। अगर तुम्हें भूख मिटानी हो तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो अपनी तसल्ली। मगर खबरदार जो मेरी बहन। ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं आप? आप जानती हैं मैं रूपा से शादी करना चाहता हूं। क्या? हाँ। तुम उसे शादी करोगे? मगर कैसे? तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो मत होने दीजिए, शादी उन्होंने नहीं मुझे करनी है। उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत है तुम्हें? अगर हिम्मत ना होती तो प्यार ही क्यों करता? फिर एक काम करो संजीव, इससे पहले कि मेरी बदनामी के साए तुम्हारे प्यार को डस ले, तुम फौरन रूपा से शादी कर लो। दीदी, आप बेफिक्र रहिए, आपने इजाजत दे दी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
जीते रहो, जीते रहो। दीदी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम उस लड़की को इस घर में बहू बना के लाओगे? हरगिज नहीं। देखो संजीव, मैं इस घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। डैड, रूपा एक इज्जतदार लड़की है। और उसकी बहन सीमा, हैं? ऐसी बेवकूफी मत करो संजीव। तुम अपना कैरियर चौपट कर लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, टॉप के लीडर बनो, लेकिन उस लड़की से शादी करके तुम अपने कैरेक्टर पर दाग लगा लोगे। मुझे ऐसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं डैड, जहां लोग कैरेक्टर पर लगे दाग को छिपाने के लिए सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। संजीव, कौन सा दाग है मेरे कैरेक्टर में? और मेरा मुंह मत खुलाइए डैड, मैं सब जानता हूं। आपने शास्त्री जी के बेटे मेरे दोस्त राजू के साथ क्या किया था? मैंने किया था। और सुन ले, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो रूपा के साथ भी वही होगा जो राजू के साथ हुआ था। मैं मर जाऊं तो दूसरी बात है, लेकिन मेरे जीते जी आप रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। क्या? कहां पर? सर, इस कार का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो। सर, लड़के की हालत बहुत खराब है। मर तो नहीं गया? मुझे नहीं मालूम। बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ फिर बताता हूं। ये रुबाब किसको दिखाते हो? मिनिस्टर की गाड़ी चलाते चलाते खुद को मिनिस्टर समझने लगा है क्या? चल सालिया। एक्सक्यूज मी सर, आप मंत्रालय तक मेरी जीप में चले जाइए। जीप में? आप तो कायदे कानून अच्छी तरह जानते हैं, ये दोनों काज मुझे अपनी कस्टडी में लेनी होगी। हाँ, नमस्ते। आइए आइए। तू यहां क्यों आई? लाला, कभी तो अकल को छू लिया करो। अगर तुमने यहाँ रूपाली पे गुस्सा किया तो सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि सारे शहर में खबर फैल जाएगी कि इस लौंडिया का तुम्हारे बेटे से कोई रिश्ता है। चलो चलो, और चलो। जानते हो, मिनिस्टर साहब ने खुद फोन किया था कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। तुम नहीं समझोगे, उन्होंने इसलिए फोन किया था क्योंकि अगर मुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाता तो ऑपोजिशन वाले और अखबार वाले हंगामा खड़ा करते थे, मिनिस्टर साहब की बैन बच जाती। अर्जुन, तुम्हें ट्रैफिक से निकालकर स्पेशल ब्रांच में भेजा जा रहा है, इसके बावजूद तुम खामोश हो। तुम ही ने कहा था ना, कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़ दो, न जाने इसके पीछे खुदा की क्या मंशा है। आमा यार, तुम अहमक हो, लेकिन इतना नहीं जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। सर। अर्जुन सिंह, बैठो, प्लीज सिट डाउन। सर, मैं वो फाइल लेने आया हूँ। कौन सी फाइल? वो सीमेंट के केस की। तुम्हें इस केस से इतनी दिलचस्पी क्यों है? सर, मुझे पता चला है कि जिन हस्तियों के नाम उस फाइल में मौजूद हैं, वो सब चुकन्ने हो गए हैं। हमें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। हाँ, जो भी एक्शन मुनासिब होगा सीबीआई लेगी। सीबीआई? तुम्हें कुछ शक है?
वो फाइल मैं सीबीआई के हवाले कर चुका हूं। कब? मिस्टर अर्जुन सिंह, तुम अपनी हैसियत भूल रहे हो। इंस्पेक्टर होने के नाते जो तुम्हारा फर्ज था वो तुम पूरा कर चुके हो। अब आइंदा इस केस के बारे में तुम कोई पूछताछ नहीं करोगे। यू मे गो। मिस्टर शर्मा। सर इनसे मिलिए, ये मिस्टर शर्मा है और इनके असिस्टेंट्स सीबीआई। ये रहा आपका सस्पेंशन ऑर्डर मिस्टर सिंह, आपको मुअत्तल किया जाता है। क्या बक रहे हो? जी हाँ, वो फाइल आपके हवाले करने से पहले मैंने उसकी जेरोक्स कॉपी बनवाकर सीबीआई को भेज दी थी। मुझे अफसोस है, मेरा शक सही निकला। सुनो तो, मेरा कोई दोष, मेरा कोई कसूर? चिंता नहीं, चिंता नहीं। वैसे वो आपका दोस्त कहाँ है? वो शायद दिल्ली अपने घर गया है। तुम बड़े घर चलो। यशपाल जी घबराओ नहीं, बहुत जल्द उसे भी तुम्हारे पास ले आऊंगा। चलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुम्हारा बेटा? किसे समझ रहे हो अपना बेटा? तुम कहते थे ना कि मेरा आशिक घर पे लाइन मारने आता है। तुम ठीक कहते थे। शादी के पहले और शादी के बाद मैं हमेशा उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती रही। दरअसल मेरे बेटे के तुम सेकंड इन बाप हो। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं मिस्टर ए एन कॉल। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात दोहरा रही हूं। यहां तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं रहता। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद करूंगी और तुमसे बेहतर करूंगी। उसे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। जाता हूं, लेकिन याद रखना मैं फिर आऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर के साथ आऊंगा अपना बेटा लेने। बेटी, ये तूने क्या कह दिया? आपने जो कुछ सुना सब झूठ था पिताजी। इन्होंने मेरे पति होने के नाते मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, इतने अत्याचार किए हैं कि मैं इनके मर्दाना अहंकार को चोट पहुंचाकर ही अपने अपमान का बदला ले सकती थी। बिट्टू की कसम पिताजी, आपकी बेटी ने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। एडवोकेट ए एन कॉल, मुझे मालूम था आपसे मुलाकात यहीं होगी। मिस्टर कॉल, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बदतमीजी है ये? तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या ये? तुम्हारा अरेस्ट वारंट, देख लो। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? आपके दामाद को सरकारी दामाद बनाकर ले जा रहा हूं। जल्द ही जान जाएंगे आप इनकी जल्लादी के कारनामे। तुमसे मिलने चलाया। आपने कैसे तकलीफ की? मुझे फोन कर दिया होता। किया था, पता चला तुम डॉक्टर के यहाँ गई हो। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वही प्यारी सी अनमोल तकलीफ जो शादीशुदा औरतों के लिए इज्जत की बात होती है, लेकिन बिन ब्याही लड़कियों के लिए कलंक का टीका बन जाती है। तुम मां बनने वाली हो?
कौन है तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप? आप। क्या क्या कहा तूने? तेरे बच्चे का बाप मैं हूं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? घाट घाट का पानी पीती है और नाम लगाती है मेरा। तुझे जो चाहिए वैसे मांग ले, मेरी हैसियत होगी तो दे दूंगा, मगर खबरदार जब मुझ पर यह तोहमत लगाई तो। आप गुस्सा क्यों होते हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं मांगती। अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर मैं बड़ा कर लूंगी, उसे बाप के नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बच्चों को दुनिया हरामी कहती है, और यही हरामी बड़े होकर सड़कों पर जुर्म करते फिरते हैं। बेहतरी इसी में है कि अबॉर्शन करा लो। वैसे जो तेरी मर्जी में आए कर, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? वाकई यार, आदमी अपनी जात दिखाए बिना बाज नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, गलती मेरी थी कि उस साली को लिफ्ट दी। ऊपर से जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी सियानी है वो। जानते हो मुझे फांसने के लिए आज उसने क्या झांसा दिया? कि मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप हो। तो क्या गलत कहा उसने? मतलब कि तुम बाप हो, तभी तो उसने तुम्हें बाप कहा। तुम ये जानते हो कि वो लड़की कौन है, फिर भी उसे मेरी बीवी का दर्जा दे रहे हो? टकसाल में बनने वाले सिक्के को देखकर ये बता रहे हो कि वो कौन से कान का लोहा है? बस भी करो अर्जुन, मोहब्बत में नाकाम हुए तुम और शिकार बना रहे उस मजलूम को। जानते हो, तुम्हारे कदम किसी गलत रास्ते पर बहक ना जाएं, इसलिए उस लड़की के चाल चलन पर मैंने खुद नजर रखी, और पता ये चला कि जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, किसी गैर मर्द ने उसे छुआ तक नहीं। मिर्ज़ा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। दरअसल में तुम आदमी ही नहीं रहे, वैशी हो गए हो। वैशी जो अपने फर्ज को इंसानियत के नाम पर घोल कर पी गया है, जिसे अंधेरे में रहने की इस कदर आदत हो गई है कि रोशनी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सीमा, सीमा ना सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां है, बल्कि समाज की ठुकराई हुई वो तस्वीर है जिसे अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। लेकिन तुम अब इतने खुदगर्ज हो गए हो कि तुम्हें दूसरी किसी जिंदगी की परवाह है ही नहीं, यहां तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। ये क्या है? तुम्हारे लिए साड़ी। तुमने एक बार कहा था ना, याद है? हाँ। और आज तक आपने जो भी कहा, मुझे वो सब याद है। सीमा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज तक तुमको, खुद को, दोनों को धोखा देता रहा हूं। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेहद प्यार करता हूं। सीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। महसूस हुआ तुझको अब मेरी वा...
मुझसे शादी करोगी ना? संजीव, मैं राजू की बहन पूजा दीदी से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मैं उन्हें अभी लाती हूँ। क्या, तेरे बाप को जेल हो गई तो मेरे जाने का बंदोबस्त कौन करेगा? फिक्र मत करो, डैडी जाने से पहले मुझे सब समझा गए हैं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, आज शाम को 4 बजे एम्बुलेंस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और मेरा पासपोर्ट, टिकट और पैसा? वो सब भी तैयार है। ठीक है, वो तीनों चीजें लेकर तुम फौरन यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। मैं? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। तुम्हारे पड़ोस में ही तो उस जल्लाद का घर है, कहीं देख लेगा तो कब्र खोद देगा मेरी। ठीक है, मैं पूजा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। पूजा, पूजा, संजीव का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुमसे अभी मिलना चाहता है, बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई को मरे 3 साल हो गए, अभी याद आए हमारी, नहीं मिला है मुझे। ऐसा मत कहो दीदी, उस बेचारे से एक बार मिल तो लो। कभी नहीं, उसकी दोस्ती से ही मेरे भाई की जान गई। इस वक्त ये सब भूल जाओ पूजा, वो अस्पताल में पड़ा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। क्या, संजीव की हालत इतनी खराब है? हाँ दीदी, देर मत करो, चलो हमारे साथ चलो। दीदी, अच्छा हो पागे दीदी, मरने से पहले मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। राजू का खून पुलिस ने ही किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी, राजू का खून मेरे ही डैडी ने करवाया था। हाँ दीदी, मुझ पर विश्वास कीजिए दीदी, इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करके हम दोनों को एक ही लॉकअप में बंद कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसी लॉकअप में एक और गुंडा बंद कर दिया था। पृथ्वी सिंह जी, ये रहे आपके पूरे 3 लाख। ये तो हुई आपके बेटे को बचाने की कीमत। एक बात बताइए, आपने उन दो आदमियों के साथ लॉकअप में तीसरे को क्यों बंद करवाया? संजीव के जुर्म का चश्मदीद गवाह कौन था? उसका दोस्त राजू। भाई, इससे पहले कि उसे सच की उल्टी हो जाती, उसका मरना जरूरी था। जी, आप क्या कह रहे हैं यशपाल जी? अरे, आपको पता नहीं कि राजू? लेकिन कैसे? एक मामूली सी चॉकलेट से। उस तीसरे आदमी ने वो जहर भरा चॉकलेट राजू को खिलाकर उसे जिंदगी से आजाद कर दिया और मेरे बेटे को मुसीबत से। दीदी, जो मेरे डैडी ने आपके साथ किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे डाली। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? मेरे भाई के कातिल को अपने ही घर में पना दे डाली। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। मैं आज तक आपको कोसती रही और घर में सांप को पालती रही। रो मत पूजा, गलती तो इंसान से होती है, मगर चमन बगा को घर में पना देकर तूने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आप उसे अभी के अभी गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मुश्किल यह है सीमा, कि अगर पुलिस पूजा के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। घर में इनकी माँ है, शास्त्री जी हैं, वो उनकी जान तक ले सकता है। अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, तुम वैसे करो जैसे उसने कहा है,
उसकी बताई हुई जगह से रुपए ले आओ। उसकी स्कीम के मुताबिक उसे एम्बुलेंस में जाने दो। जैसे वो घर से थोड़ी दूर जाएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सीमा तुम इनके साथ जाओ लेकिन मेरे घर पे रहो। तुम्हें किसी बात का शक हो तो फौरन सीमा को खबर कर देना, ये मुझे फोन कर देगी। और हाँ याद रहे, तुम्हारे बर्ताव से उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इतना टाइम कहां लगा दिया? लाया बैग मुझे दे दे। ये तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? नहीं तो स्कीम तो तुम्हारी बहुत अच्छी है अर्जुन, लेकिन चमन बग्गा वो हस्ती है जो जेल से 3 बार फरार हो चुका है, इसलिए मुनासिब यही है कि जब वो घर से निकलकर एम्बुलेंस में बैठे उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क लेंगे सर आप, किसी की जान तक। हुजूर, मैं जनाब का सीनियर हूं, वैसे थोड़ी सी अकल मेरे पास भी है। यस सर। हेलो सीमा, बोलिए। हमारा प्लान बदल गया है, अब हम चमन बग्गा को एम्बुलेंस में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है पुलिस को गोली चलानी पड़े, इसलिए उन सबको कहो घर के अंदर रहें, बाहर आने की कोशिश ना करें, समझी? जी। बात क्या है? देख छुपे हुए हो, अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इस पिस्तौल की गोलियों से इन सब को भून डालूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देता हूं, अपने आदमियों से कहो कि मेरे रास्ते से हट जाए। तुम्हें वक्त का अंदाजा दिलाने के लिए ये पहली मार। नहीं अर्जुन। लेकिन सर। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा, सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पीछे। We'll be right back.
पूजा तुम ठीक? तुम मेरी परवाह मत करो, सीमा को बचा लो। गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पेट्रोल भरवाने। सुनो जी, मैं किसी भी आदमी को माफ नहीं करता जो अधूरा काम करे। मैंने तुझे जब भी गिरफ्तार किया है तू पैसों के जोर पे सजा की जंजीर काट कर फेंकता रहा, मगर आज मैं तुझे किसी अदालत में पेश करने के लिए गिरफ्तार नहीं करूंगा। आज मैं तुझे उस ऊपर वाले की अदालत में पहुंचाऊंगा जहां तुझ जैसे हरामजादों का फैसला बगैर बहस के होता है। Thank you.